फटा 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक है। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक की विशेष पेशकश परमवीर देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। बात करेंगे आज उस हीरो की जो मौत को हराकर जिंदा लौटा था। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 10 अप्रैल 1928 को जन्मे मेजर धन सिंह थापा जी, ये वो नाम है जिसने यमराज से विजय प्राप्त की। सेना में इनकी शुरुआत होती है साल 1949 में 28 अगस्त को और वो शामिल हुए सेना की 8वीं गोरखा राइफल्स की बटालियन में। स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और चलते हैं सीधे साल 1961 के नवंबर के महीने में, जहां चीन अपनी आक्रामक नीतियों का विस्तार करते हुए भारतीय इलाके में घुसपैठ करने लगा था और वहां के इलाकों में निर्माण करने लगा। इसे देखते हुए पीएम ऑफिस में एक मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी को लागू कर दिया। महीना दिसंबर साल 1961, सेना मुख्यालय की तरफ से एक पॉलिसी जारी होती है। फॉरवर्ड पॉइंट पर भारत ने सेना की तैनाती बढ़ा दी। अचानक बेटी की मौत पर मेजर थापा को एक हफ्ते के लिए घर जाने के लिए छुट्टी दी जाती है। उनकी जगह पर एक ऑफिसर को तैनात करने के लिए ले भेजा जाता है। कहते हैं कि मेजर थापा ने छुट्टी मिलने के बाद भी अपनी कंपनी को अकेले नहीं छोड़ा। उन्होंने मन बना लिया था कि चीन के साथ युद्ध जैसे हालात में वो कहीं नहीं जाएंगे। कुछ समय पहले जब उनकी बेटी का जन्म भी हुआ था तो उस समय जो है उग्रवादियों से ग्रसित नागालैंड में एक ऑपरेशन के लिए गए हुए थे। सेना को निर्देश मिला कि उसे तिब्बत से लद्दाख की तरफ आते हर रास्ते को सुरक्षित करना है। इसी तरह से पैंगोंग के उत्तरी किनारे पर खुरनाक फोर्ट से लेकर दक्षिण में चुसूल तक सेना की यही नीति लागू रही। सेना की तरफ से विवादित हिस्सों में चीन की बढ़ती दखल अंदाजी के जवाब में कुल छोटे छोटे कई सारे पोस्ट बनाए गए। भारत ने 1962 में जंग से पहले सिरिजैप 1 और सिरिजैप 2 के तौर पर 3 अहम पोस्ट तैयार किए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले 8 गोरखा राइफल्स को सिरिजैप के 3 पोस्ट पर तैनात कर दिया जाता है। तीनों पोस्ट का जो पैंगोंग पर है मौजूद भारतीय सेना के बेस के साथ कोई जमीनी संपर्क नहीं रहता है। सिरिजैप 1 पर मेजर धन सिंह थापा कमांड कर रहे थे और उनके पास करीब 30 जवान इसकी सुरक्षा के लिए थे। चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ रही थी और भारत सरकार उस समय यह स्वीकार नहीं कर रही थी कि कुछ चीन गलत कर सकता है। 19 अक्टूबर 1962 चीनी सेना की गतिविधि काफी बढ़ गई। मेजर थापा इसे देखकर अलर्ट हो गए। उन्होंने जवानों को गहरा गड्ढा जो है वो खोदने का आदेश दे दिया। 20 अक्टूबर को चीनी सेना ने हमला कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक सिरिजैप पर मोटार और आर्टिलरी से फायरिंग हुई। कुछ शेल्स कमांड पोस्ट पर भी गिरी और इसकी वजह से रेडियो सेट को नुकसान हुआ। यह अकेला कम्युनिकेशन का जरिया था। अब पोस्ट का संपर्क पूरी तरह से बटालियन से कट चुका था। मेजर थापा के पास सिर्फ 30 जवान थे और हथियारों के नाम पर उनके पास 303 राइफल और लाइट मशीन गन्स। यह हथियार चीनी हथियारों के सामने बहुत कमजोर माने जा रहे थे। मेजर थापा लड़ते रहे, बाकी जवानों को भी वो प्रेरित करते रहे। उनके शब्द थे कि हमें मरना है और हम सब साथ में मरेंगे, लेकिन मरने से पहले मारकर मरेंगे। गोरखा राइफल्स के बहादुर सैनिक लड़ते रहे और सिरिजैप 1 जो है वो चीन के हाथों में जाने से बच गया बताया जाता है। मेजर थापा के कुछ साथी वीरगति को प्राप्त हुए। वो अंत तक अपनी खुकरी से चीनी सेना का मुकाबला करते रहे। चीन की जो सेना थी वो उनके चेहरे पर राइफल के बट से हमला किया और इसकी वजह से उनके 2 दांत टूटते हैं। मेजर थापा ने चीनी सैनिक को ढेर कर दिया, लेकिन चीन की सेना ने उन्हें घेर लिया और युद्धबंदी बनाकर अपने साथ ले गए। चीन ने युद्धबंदी के तौर पर उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्होंने चीनी सैनिक की हत्या के लिए जो है उन्हें दोषी ठहराया गया, उन्हें सजा दी गई। उन्होंने चीन की कैद में होने के बाद भी सेना और भारत सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। इस बात से भी चीन खासा नाराज था, इसकी वजह से उन्हें और सजा दी गई। मगर जब युद्ध खत्म हुआ तो चीन ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। सरकार और सेना ने यह मान लिया था कि मेजर थापा शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके घर पर भी शहादत की जो खबर थी वो पहुंचा दी गई थी और उनका अंतिम संस्कार का जो रिवाज था वो भी कर दिया गया। सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र देने का ऐलान तक कर डाला था, लेकिन जब चीन ने भारत के युद्धबंदियों की लिस्ट जारी की तो उसमें मेजर थापा का नाम था। इस खबर से उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। 10 मई 1963 को जब वो देश लौटे तो आर्मी हेडक्वार्टर पर उनका स्वागत किया गया। वो लेफ्टिनेंट कर्नल होकर रिटायर हुए थे।
आपको एक दिलचस्प बात यह भी बता दे कि जब वो अपने घर लौटे तो वहां उनका दोबारा जो है वो संस्कार हुआ, उन्हें उनकी दोबारा बताई जाती है, ऐसी बात बताई जाती है कि शादी भी करवाई गई उनकी पत्नी के साथ ही, क्योंकि वो विधवा की तरह जीने लगी थी क्योंकि उन लोगों ने अंतिम संस्कार तक कर दिया था। तो कुछ ये है कहानी हमारे मेजर धन सिंह थापा की, जिन्होंने अपनी शौर्यता का परिचय दिया और दुश्मन के आगे घुटने नहीं टेके और भारतीय सेना का मान सम्मान ऊंचा उठाए रखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।